लेकिन अब ऐसे आवाजें आ रही हैं, रोज विवाद होता है, क्या हो गया इन्हें। आखिर इन दोनों ने तय किया, पड़ोसी लोगों ने पूछा क्या हो गया, उन्होंने कहा कि देखो सीधी सी बात है, मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, मेरे पिता की तस्वीर रखता हूँ मैं। उसने कहा इतना झूठ बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, देखो सुंदर स्त्री की तस्वीर लिए घूमते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें, इतना झूठ बोलते। मैं तो अब नहीं रह सकती, बस यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जाऊंगी, वहीं रहूंगी। अब पड़ोसियों ने सोचा कि इनका अगर वापस प्रेम लौट आए तो ज़्यादा अच्छा है, और पहले के समय में क्या पंच होते थे गांव के, वही इसका निपटारा करते थे। आखिर पंचों को बुलाया गया, आस पड़ोस के लोगों ने, परिवारजनों ने पंच जनों को बुलाया और कहा कि देखो इनकी क्या मुसीबत है, आप इनको हल करो और इनका जीवन पुनः वैसा ही पहले जैसा हो जाए। पंच आए, पूछा शांति से दिक्कत क्या है। पति ने कहा ये मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़ गया हूँ, भला मैं क्यों पढ़ूँगा, मेरा तो एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी व्रत है। हाँ मैं कभी गलत सोचता ही नहीं, किसी स्त्री के बारे में गलत विचार नहीं आता मुझे, और ये मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है, संदेह कर रही है, आप इसे समझाओ। ये झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। अब उसने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, मैं तो अपने पिता की तस्वीर लिए हूँ, मैं कभी सुंदर स्त्री के चक्कर में क्यों पड़ूंगा, मेरे लिए सुंदर हो या बदसूरत हो मुझे क्या लेना देना, खूबसूरत हो चाहे वो, सब मेरे लिए माँ बहन और पुत्री के समान है, संसार के सारी नारियाँ, मैं किसी को गलत नज़रों से नहीं देख सकता, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है यहाँ, ऐसा व्यभिचार में कभी सोच तक नहीं सकता, और कैसे ये इल्जाम लगा रही है। लेकिन वो मानने को कतई तैयार नहीं है। आखिर पंचों ने कहा हम खुद ही इसका निर्णय करेंगे, पहले बताओ तुम्हारी तस्वीर है कहाँ। पंच में जो मुखिया था उसने देखा उसे और देख करके बताओ पहले मुझे हाथ में दो कि कहाँ है तस्वीर तुम्हारी। जैसी बड़े हिफाजत के साथ में उसके पति ने तस्वीर दी और मुखिया ने देखी, गजब हो गया। जैसे ही उसने देखा, ओ हो क्या बात है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिता की तस्वीर है, ये कह रही है कि सुंदर स्त्री की तस्वीरें सब झूठ है, ये तो मेरे पिता की तस्वीर है, मेरे पिता की तस्वीर है, ओ सौभाग्य मेरा, क्या खुशियों का दिन आया है, कई वर्षों के बाद मेरे पिताजी तो चले गए लेकिन उन्होंने मेरे लिए उपहार भेजा है, अपनी तस्वीर को भेजा है। छाती से लगाया, बहुत बहुत लाखों लाखों शुक्रिया, आपने पिताजी सच में अपने बेटे की दिल की बात को सुन लिया, अपनी तस्वीर को भेज दिया, बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं। और कहानी कहती है कि वह उस दर्पण के टुकड़े को लेकर के भाग गया पंच का मुखिया, उसका आज तक कोई पता नहीं है। लेकिन प्रश्न आप सबके लिए छोड़ गया है इंदौर वासियों, अगर तुम्हारे हाथ में ये टुकड़ा आता और ऐसी परिस्थिति आ जाती तो आप क्या करते, क्या करते। पत्नी कहती है कि यह सुंदर स्त्री की तस्वीर है और पति कह रहा है कि मेरे पिता की तस्वीर है, ऐसे पेशो पेश की जिंदगी कैसे जी जाए, कैसे जिए, क्या करते हैं? आपके पास में कोई समाधान है क्या, बोलो। कोई समाधान नहीं है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन आज हम एक समाधान लेकर के आए हैं। जब ऐसी पेशो पेश की जिंदगी हो और अनेक कांत का दर्पण तुम्हें मिला हो तो उस दर्पण के अंदर देखो कितना अच्छा तरीका, ऐसे रखो दर्पण को, और जो तुम्हारे इंदौर के पंच है ना मुखिया लोग, उनको बता दो कि आप ऐसा फैसला करो कि दर्पण यहाँ रखो, दोनों को एक साथ में झांकने को कहो इसके भीतर। जैसे ही दोनों एक साथ में देखेंगे, क्योंकि पति ने अपना चेहरा तो नहीं देखा लेकिन पत्नी का तो देखा है ना, पत्नी ने अपना चेहरा तो नहीं देखा लेकिन पति का तो देखा है ना, जब दोनों एक साथ में देखेंगे
कितने खुश हो जाएंगे, कितने प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो तुम्हारा चेहरा। वो कही कि देखो तुम्हारा चेहरा, मतलब हम दोनों का चेहरा। वाह क्या तस्वीर मिली है जहां हम दोनों का ही चेहरा झलक रहा है ना। बहुत अच्छा समझौता हो सकता है ना, उस दर्पण के अंदर दोनों को एक साथ में दिखाया जाए। अलग अलग दिखाएंगे तो संदेह पैदा होगा, विवाद पैदा होगा। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि अनेकांत, अनेकांत धर्म कहता है एक को मुख्य दूसरे को गौण, फिर उसको मुख्य किया तो इसको गौण। अर्पिता नर्पित सिद्धे हे तत्वा सूत्र में कहा है, अगर अस्थि को मुख्य करोगे तो नास्ति को गौण करोगे। जब आप अपने रिश्ते को बताते हैं तो क्या करते हैं, इधर पिताजी खड़े हैं, इधर तुम खड़े और इधर तुम्हारा बेटा खड़ा है, ठीक है ना। जब इधर देखते हो तो कहते हैं मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ इनका, मैं इनका बेटा हूँ। और इधर देखोगे तो कहोगे मैं पिता हूँ इसका। इधर की ओर देखते हैं तो पिता है, इधर की ओर देखते हैं तो पुत्र है। वाह पिता भी है और पुत्र भी है, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से वह कथनचित पिता भी है, कथनचित पुत्र भी है। अनेकांत एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर तरह के विवाद मिट सकते हैं, हर तरह की परेशानियां समस्याएं सुलझ सकती हैं, बशर्ते यह है इस दर्पण को देखने का तरीका हो। तो हमारे भगवान ने हमें समझाया है, हे चेतनात्मन हर तरह से सुलझने की कोशिश करना, अपने भीतर में अपने परिणामों में किसी भी प्रकार से चाहे कितनी प्रतिकूलताएं इसको प्रवेश कराने की कोशिश मत करना। ये दुनिया को चाहे तुम कितने ही प्रमाण दोगे, ये दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको संदेह है विवाद है तो वो करता ही रहेगा, जैसे कि पति पत्नी को। लेकिन एक सुलझने का अच्छा सूत्र मिल गया, दोनों को एक साथ में अगर देखने को कहेंगे तो सारा ही विवाद खत्म हो जाएगा और विवाद के स्थान पर प्रसन्नता आ जाएगी। बस हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर बहुत गम है, पीड़ाएं हैं, दुख हैं, समस्याओं पर समस्याएं हैं। इन सब को सुलझाने के लिए हमें भगवान आदिनाथ प्रभु से 24 तीर्थंकर भगवंतों ने एक अनेकांत का दर्पण दिया है, जिसमें कहा है मैं भी और तुम भी, मैं भी और तुम भी। अगर ये होता है तो वहां पर आनंद बरसता है, और मैं ही तुम नहीं, अगर ये आ गया, एकांत आ गया, मैं ही एकांत आ गया, तो वहां पर विवाद शुरू हो जाएगा। मैं भी और तुम भी, यह अनेकांत है। हे प्रभु आपने जो अनेकांत का दर्पण दिया है, इस दर्पण के माध्यम से हम 5 द्वार को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ है मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतस में, जीवन उजला हो जाएगा। कितने दर्पणों को न जाने देख देख करके धुंधला करके फेंक दिया आपने कचरों के ढेर में, कितने दर्पण तुमने ऐसे ही फेंक दिए, धुंधले हो गए। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतस में, जीवन उजला हो जाएगा। ये अवसर मिला है, समय सार का दर्पण मिला है, आत्मबोध का दर्पण मिला है, उसमें झांकना है, अपने रूप को नहीं स्वरूप को निहारना है, और निहारते निहारते उसको निखारते जाना है, अपने स्वरूप को निखारना है। निश्चित तौर पर जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको सुलझने का लक्ष्य बनाना है। जिस तरह से दोनों को छोड़ करके पंच ने अपना काम कर लिया, क्योंकि उसने भी अपने पिता का रूप उसमें देख लिया, उसे लगा कि मेरे पिता की तस्वीर है, बस उसी प्रकार से कहीं यह दर्पण तुम्हारे हाथों से खो ना जाए।
कहीं ऐसा ना हो कि ये दर्पण खो जाए, नहीं तो जीवन ही खो जाए और हम दर्पण में देख ही ना पाए। कहीं ऐसा ना हो, ये जीवन बहुत कीमती है और बहुत मौलिक है। एक एक समय की हम महत्ता को जाने समझे और अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो अनाज के साथ में भूसा देख करके पशु बहुत ही खुश हो जाते हैं अज्ञानी की तरह, लेकिन हम तो मनुष्य है ना, इसीलिए भूसे के साथ में अन्न को देख करके खुश होते हैं। मतलब अगर कोई दोषी भी है तो उसमें एकाध गुण भी है, तो गुणों को देख करके हम खुश होते हैं। गुणा ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि दोषो पर जावे, ये जीवन का लक्ष्य हमारा सदा बना रहे। बस यही प्रभु से प्रार्थना है, हे प्रभु यह दिन यह रातें ये हर जीवन के लम्हे गुजरते जा रहे हैं, लेकिन हर क्षणों में हम अपना लक्ष्य को साधें और आगे बढ़ें, यही आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज आप लोगों को दो दो बार प्रवचन का अवसर प्राप्त हो गया है, अच्छी बात है। जितना अमृत को उंडेल सको उतना उंडेल करके अपने अजर अमर स्वरूप को समझने के, उसको प्रकट करने की कोशिश करें, यही शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय आरिकामा पूर्णमती माता जी की जय। आरिका संघ की। दो मिनट के लिए गुरु भक्ति करेंगे, आज रविवार का दिन है, सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पर आचार्य भक्ति का और प्रश्न मंच का कार्यक्रम नहीं होगा, आज अवकाश का दिन है, इसीलिए हम लोग अपना स्वयं का खुद ही करेंगे। आप लोग दो मिनट के लिए भक्ति करेंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेटो भव भव के फेरे, गुरुदेव सावरिया गुरु तेरे बिना है कौन यहाँ, तुम्हें छोड़ गुरु में जाऊं कहां। गाइए भक्ति से गाइए। काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, सहे कष्ट पे कष्ट घने रे गुरुदेव सावर, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये जीवन पाया, तूने किए उपकार घने रे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन मेरे नैना कब से तरस गए, सावन भादो से बरस रहे,
आओ कर दो दूर अंधेरे गुरुदेव सवनिया मेरे आओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवनिया मेरे गुरुदेव सवनिया मेरे मेटो भव भव के फेरे श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की कल से फिर 7:45 से याद है ना आप सभी लोगों को भूल नहीं जाएंगे एक सप्ताह हुआ है क्लास को लगे कल से फिर 7:45 और फिर 8:30 से समय सार की ओर हम चलेंगे नेमी कुमार बहुत सौभाग्यशाली होने वाला है सामान्य नहीं होगा ये नेमी कुमार इंदौर का और पूरे जीवन भर तक वह नेमी कुमार के नाम से जाना जाएगा आज तक आप लोगों ने किसी की बारात ऐसी नहीं देखी होगी जो सोवानी मस्तक धरूं सदा दीत हूँ जो हे जिनवानी भारती तो ये जपू दिन रेन जो तेरो शरणा गहे माँ सो पावे सुख चैन